वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता और मैं लेकर आई हूँ एल क्लास की मैथ, जिसके एक्सरसाइज है 2.6 और क्वेश्चन है हमारा पहला। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो चलिए करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 8x माइनस 3 बटे 3x बराबर 2। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे इसको, कैची गुणा करते हैं। तो कैची गुणा कैसे करेंगे, इसके नीचे हम एक मान लेंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। ठीक है, तो 8x माइनस ए सॉरी 3 है, माइनस 3 की गुणा किससे होगी, एक से होगी, और 2 की गुणा हमारी किससे होगी, 3x से होगी। ठीक है, तो एक से गुणा होगी तो हमारा वही आ जाएगा 8x माइनस 3, और ये क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6x आ गया। अब क्या करेंगे, x x एक तरफ कर लेंगे, तो 8x माइनस का हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 6x बराबर, ये जो है हमारा इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3। 8 में से 6 गया तो क्या बचा, 2x बचा, और बराबर 3 तो है ही। ठीक है, 2 जो है x के गुणे में है। ठीक है, तो उधर जब जाएगा तो किस में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, तो मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है निम्न समीकरण को हल कीजिए। क्या है समीकरण देखते हैं, नौ एक्स बटे 7 माइनस 6x बराबर 15। तो ये है हमारी समीकरण। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको कैची गुणा करनी है पिछले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे एक मान लेंगे तो 9x की गुणा हुई हमारी किससे, एक से, और 7 माइनस 6x की गुणा हुई हमारी किससे, 15 से। ठीक है, तो 9x की गुणा 1 से तो क्या आया, 9x आया, 15 से इसकी गुणा होगी तो 15 सत्ते 105, माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, 15 छक्का 90x। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्स एक तरफ कर लेंगे, 9x तो पहले से ही इधर था, ये जब इधर आया माइनस का 90 तो प्लस में हो गया प्लस का 90x, ये हमारा 105 लिखा ही रहा। 90 में 9 जोड़ा तो क्या हुआ हमारा, 99x हुआ। क्या हुआ हमारा, 99x हुआ। ठीक है, अब हमारा इधर 105 लिखा रहा। अब हम क्या करेंगे, 99 जो है गुणा में है x के, बराबर के इधर जब जाएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब हम किससे काट देते हैं, 3 से काट देते हैं। ठीक है, 3 तिया 9 एक बचा, 3 5 15, और अब तो ये हमारा कटने से रहा, मतलब नहीं कटेगा, तो मतलब x की जो वैल्यू आई है वो हमारी आ गई है 35/33। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।